जिला पठानकोट कांग्रेस सेवा दल की ओर से वार्ड नंबर 28 में प्रदेश संगठन मंत्री कमला प्रधान की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिनमें कांग्रेस सेवा दल के पठानकोट व गुरदासपुर के प्रभारी मास्टर रामलाल विशेष अतिथि, जबकि कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रभारी बलविंदर सिंह समियाल मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश प्रभारी बलविंदर सिंह समियाल द्वारा राष्ट्रीय ध्वज रोहण कर की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मास्टर रामलाल ने कहा कि पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकी हमला करवा अपनी नपुंसकता का परिणाम दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवा दल द्वारा पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरे भारत में तिरंगा मुहिम चलाई है, ताकि लोगों में देशभक्ति का जज्बा पैदा किया जा सके। ये कांग्रेस ने अपना जो है नेशनल फ्लैग डे लास्ट डे मनाने के लिए किया है, कि जरा हमारा झंडा है तिरंगा झंडा, इसे हम जो करतूत पाकिस्तान की है उसको ख़त्म करके हम उसकी राजधानी इस्लामाबाद में बनाएंगे। हम उसकी जो नापाक रखते हैं पाकिस्तान की उन्हें बर्बाद करें। पीछे पीछे ही उसने हमारे 44 जवान जो है नजायज उनको मार दिया है, उसका बदल लेने के लिए हम एक का जवाब पत्थर देंगे। और आज सारा मुल्क इंदिरा गांधी को याद कर रहा है, जिसने कि एक दो सेकंड में 100 जहाज चढ़ाकर पाकिस्तान की तहस नहस कर दिया था। आज उस लीड की लौड़ है जैसा इंदिरा गांधी ने काम किया था, उस काम के लिए हर देश का वासी सोच रहा है कि हमें चाहिए अपना बदला। हमने तो 40 गवाए हैं, हमने उसके बाद 82 गवाए हैं। धन्यवाद। मुख्य अतिथि बलविंदर सिंह समियाल ने कहा कि कांग्रेस सेवा दल देश में सेवा भाव से काम करता है। उन्होंने कहा कि सेवा दल कांग्रेस की रीढ़ है। 1971 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को धूल चटा नाक तले चने चबवा दिए थे, जबकि मोदी सरकार में जवान शहीद हो रहे हैं। पठानकोट से रजनीश कालू की रिपोर्ट। जैसा कि पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस सेवा दल ने आखिरी जो हमारा रविवार होता है संडे को झंडे की परंपरा हम चलाते हैं, उसी की एक कड़ी यहाँ आज हमने पठानकोट के अंदर हर जो 28 नंबर वार्ड है हर संडे को हम चलाते हैं, हर ब्लॉक में हर जिले में। तो ये जो परंपरा है हमारी बहुत पुरानी है, इस देश की खातर, इस झंडे की खातर इसको हमने लोगों तक पहुंचाना है, झंडे के प्रति प्यार मोहब्बत बढ़ाना है। झंडे का जो प्रतीक है हमारा तिरंगा, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको इकट्ठे लाना है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि देश के अंदर ये जो कुछ नेता है नफरत की आग फैला रहे हैं, हम झंडे को लेकर प्यार फैला रहे हैं। बीजेपी नफरत फैलाती है, झंडा लेती है, हम झंडा उठाते हैं। और इस झंडे को अगर हमारे लाल जी देसाई जी राहुल गांधी जैसे नेता आए तो हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि लाहौर इस्लामाबाद के अंदर झंडा फहराएंगे और इसी झंडे का मान सम्मान करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।